गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फिफ्थ जो ट्रिग्नोमेट्री है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एसोसिएशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म हम आपको ये लेक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रीफ अबाउट मी, माय नेम इज मुकेश कुमार यादव और मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है मास्टर्स है फ्रॉम आईटी दिल्ली और प्रेजेंटली मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, वर्किंग इज सीनियर डिजाइन इंजीनियर। जो मेरा हॉबीज है टीचिंग है, स्विमिंग है, बुक रीडिंग है एंड दिस इज द नाइस फेस ऑफ मी। मूव करते हैं सिलेबस पे। सिलेबस जो है हमने कवर किया हुआ है यूनिट वन जो कि नंबर सिस्टम है, यूनिट सेकेंड जो था एलजेब्रा था, यूनिट थर्ड था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, फिर ज्योमेट्री था। देखिए आपको एलजेब्रा और ज्योमेट्री ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देन हमने आज स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड जो आएगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका एप्लीकेशन। सो इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज हैं और उन रेशियोज का कैसे हम यूज करते हैं जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल में दिखाएंगे कि हाउ दिस रेशियोज आर यूज। सो ट्रिग्नोमेट्री एक टर्म है, आप देखेंगे आपका स्टार्टिंग वर्ड भी आता है ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री। सो यहाँ पे हम मेनली जो है थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अगर जेंट्स मैं एक कंसीडर करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, सो राइट एंगल ट्रायंगल में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें एक एंगल जो एंगल बी है वो क्या है 90 डिग्री हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो अगर इसमें से मैं एंगल ए लेता हूँ, ठीक है। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर ये देखेंगे एंगल ए के सामने की जो साइड है उसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, और जस्ट उसके एडजेसेंट में है उसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और इनका नॉर्मल क्लेचर एक और तरीके से भी करते हैं कहीं पे, जैसे हम जो साइड अपोजिट टू एंगल ए है उसको बोल देते हैं हाइट, हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंड ये जो होती है इसको बोल देते हैं हम बेस ऑफ ट्रायंगल, और जो ये है आपकी हाइपोटेनस है। सो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये साइड्स का यूज क्या है, ये साइड्स हम क्यों यहाँ स्टडी कर रहे हैं, एंगल क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं देखिए साइन थीटा नहीं लिखते हैं। अब अगर हम कंसीडरिंग एंगल ए कंसीडर करते हैं, ठीक है, एंगल ए को हमने कंसीडर किया है, तो साइन ए कॉस ए कोसे के सेक ए टैन ए और कॉट ए, ये जो सिक्स जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हैं, ठीक है, इनका अगर हमें साइन ए किसी भी ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है तो हमें कौन सी रेशियो इस ट्रायंगल की कंसीडर करनी पड़ेगी, ये बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताता है। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपकी जो साइड्स हैं वो तीन कौन कौन सी साइड हैं, ए बी बी सी और ए सी, ये तीन साइड्स हैं आपकी। तो अगर जो साइन ए होता है वो क्या होता है, साइन ए
साइन ए क्या हो जाएगा, तो साइन ए के जो सामने की डायमेंशन है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, वो क्या हो गई, बीसी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस एसी। तो ये क्या हो गई, एक रेशियो हो गई। इस रेशियो को क्या बोलते हैं, साइन ए। अगर हम कॉस ए निकालते हैं तो, अगर हम कॉस ए निकालते हैं तो कॉस ए क्या होता है, ठीक है, कॉस ए ये हो जाता है साइड एडजेसेंट टू ए, ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, हाइपोटेनस यानी एसी। तब देखिए आपको टर्म साइन ए और कॉस ए में क्या दिख रहा है, हाइपोटेनस सेम है आपकी, एक में अपोजिट साइड आ जाती है, एक में एडजेसेंट आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं टेन ए निकालूं, तो आपको पता होगा टेन ए क्या हो जाएगा, यहां पे टेन हो जाएगा बीसी डिवाइडेड बाई ए बी। अब देखिए आपको एक सिमिलरिटी यहाँ पे क्या दिखे, बीसी डिवाइडेड बाई ए बी। देखिए बीसी टर्म जो है साइन ए में भी है और ए बी है वो कॉस ए में भी है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ बीसी डिवाइडेड बाई ए सी, बीसी डिवाइडेड बाई ए सी इंटू या इंटू ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। देखिए बीसी डिवाइडेड बाई ए सी क्या है, साइन ए। अब ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, तो ये कॉस ए का क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए। देखिए टेन ए क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपन कॉस ए। सिमिलरली सिमिलरली जो कॉट ए होता है वो क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाता है रिवर्स ऑफ टेन ए, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। तो अगर मैं देखूं तो ये कॉस ए बाई साइन ए। स्टूडेंट्स ये जो टर्म है साइन ए कॉस ए टेन ए, ये आप इस ट्रेंगल से निकाल सकते हैं। सो ये रेशियो जो होती है इनको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। तो ये साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए, ये क्या हो गई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गई। ऐसे ही आपका आता है सेक ए इक्वल टू होता है वन अपन कॉस ए, ठीक है। तो लिख सकते हैं वन अपन कॉस ए क्या है, ए बी बटा ए सी, ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी। सिमिलरली सेक ए, अगर मैं सेक ए लिखूं, सेक कोसे के, कोसे के इक्वल टू वन अपन साइन ए, ये हो जाएगा आपका ए सी बाई बी सी। सो ये बेसिक एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है, अगर आपको ये ध्यान नहीं आ रहा है, सो इसको मैं लिखता हूँ हाइट को एल, इसको लिखता हूँ हाइपोटेनस को के, और इसको लिखता हूँ बेस को ए। सो अगर मैं एल ए एल लाल अपान अगर ये टर्म लिखूं, तो देखिए ये लिखता हूँ सी बी एंड ए। तो यहाँ पे साइन ए को मैं लिख सकता हूँ बी सी बाई ए सी, क्या हो जाएगा, बी सी क्या है एल बाई के। ऐसे ही कॉस ए क्या हो जाता है, कॉस ए ये हो जाएगा आपका ए बी बाई ए सी। तो ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बाई ए सी क्या है के। ऐसे ही टैन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए टैन ए हो जाता है साइन ए अपन कॉस ए, तो यहां पर लिख सकता हूँ टैन ए को ए बी बाई, नहीं सॉरी बी सी बाई ए बी करता हूँ, बी सी बाई ए बी। बी सी क्या है एल, ए बी क्या है ए। स्टूडेंट्स अगर आपको एक बेसिक सा देखेंगे तो साइन ए कॉस ए टेन ए, अगर यहां से निकालूं तो एल बाई के साइन ए, ए बाई के कॉस ए, और एल बाई ए टेन ए,
इसको रिवर्स कर देंगे तो आपको मिल जाएगी क्या, यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, रिवर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा कोसेके सेके एंड कॉटे, ठीक है, इसको बोलते हैं एल एल लाल अपन कक्का, लाल लाल अपन कक्का, ये बेसिक है आपके। और स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज होती है इनकी, ठीक है, अगर एंगल ए की वैल्यू 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, ये देखिए ये बेसिक एंगल है जो आपको वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। तो एंगल ए अगर साइन ए एंगल ए 0 है, इट मींस एंगल ए 0 कब होगा, जब ए बी और सी मतलब बी सी दोनों मैच करेंगे, इट मींस जो हाइपोटेनस है वो 0 हो गया, हाइपोटेनस 0 हो गया तो साइन ए की वैल्यू क्या क्या हो गई, 0, ठीक है। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू मीन्स ये हो गया आपका ए बी सी, इट मीन्स आपका हाइपोटेनस और जो इसका हाइट है वो सेम है, ठीक है। सिमिलरली cos की वैल्यू हो जाती है जस्ट रिवर्स ऑफ साइन ए, और tan की वैल्यू जो होती है ये हो जाती है साइन ए अपन cos ए लगा देंगे तो tan की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए इसमें एक टर्म आता है नॉट डिफाइंड, इट मींस tan 90, tan 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/0। देखिए किसी भी टर्म में आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनफिनाइट, इसलिए इसकी वैल्यूज कुछ नहीं होती है, इसलिए बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। कोसे के जस्ट रिवर्स टू साइन है, से के जस्ट रिवर्स टू कोसे, कॉटे जस्ट रिवर्स टू टेन, तो बेसिक वैल्यूज है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मूव करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर सपोज दैट ये बी है, ये सी है और ये है, अगर ए थीटा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा सी, तो क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, तो एंगल ए कितना है थीटा प्लस एंगल बी कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये अगर सम करेगा तो क्या आएगा, ये 180 डिग्री आएगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर एंगल ए है तो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है एंगल सी। तो अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेशियो निकालनी, देखिए साइन 90 माइनस से, देखिए ये आपको ये लॉजिक समझना है, ठीक है, लॉजिक क्या है इसमें, साइन 90 माइनस से साइन 90 माइनस ए, देखिए साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन सी आएगा। सो साइन सी साइन 90 माइनस ए, अगर साइन ए निकालता हूं मैं, साइन ए लिखता हूं तो साइन ए होता है कितना बी सी अपन ए सी, ठीक है, उसको नीचे लेता हूं तो साइन सी कितना हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा अपोजिट ऑफ सी, तो हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा ए सी। अब देखिए कॉस कॉस ए कितना होता है, कॉस ए हो जाता है ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, तो मैं क्या लिख सकता हूं साइन सी इक्वल टू कॉस ए, साइन सी इक्वल टू कॉस ए, और साइन सी एंगल सी क्या है 90 माइनस ए, इट मींस साइन 90 माइनस ए को मैं लिख सकता हूं कॉस ए। तो ये लॉजिक है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप ध्यान रखते हैं तो इट्स ओके, लेकिन ये लॉजिक है। सिमिलरली अगर कॉस ए लिखता हूं मैं तो कॉस ए हो जाता है साइन ए, सिमिलर लॉजिक, ठीक है। अगर मैं tan लिखता हूं तो ये भी सिमिलर लॉजिक से cot a इक्वल टू tan 90 माइनस a cot a, cot 90 माइनस a tan a, और sec 90 माइनस a cosec a एंड cosec 90 माइनस a sec a, ये लॉजिक है, ये कोई ऐसे ऊपर से नहीं आता है, ये लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए एक और इश्यू आती है जो कि होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब ये कैसे हुआ 1, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, देखिए स्टूडेंट्स
बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग ध्यान रखना है। ये हो गया बी, ये हो गया सी, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये देखिए तीन साइड्स हैं, ठीक है तीन साइड्स हैं, ए बी बी सी एंड सी ए। अब मैं लिखता हूं ए बी, ए बी आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ये जो रिलेशंस हैं, ये रिलेशन है जो ये तीनों, ये रिलेशन आपको कहां से आते हैं ये समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर एक एक डायमेंशन लेता हूं, फर्स्ट लेता हूं मैं ए सी, अगर मैं ए सी स्क्वायर से इस पूरी क्वेश्चन में डिवाइड करता हूं तो ए सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर। और आपको ध्यान होगा ये वन हो गया ए बी अपन ए सी, ए बी ए बी अपन ए सी क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस बी सी अपन ए सी साइन स्क्वायर ए हो गया। तो ये इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। सिमिलरली अगर मैं इसमें ए बी से डिवाइड करता हूँ, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो आपको मिलेगा इसमें एक रिलेशन, और मैं इसमें बीसी से डिवाइड करता हूं तो आपको मिलेगा एक रिलेशन। लेकिन आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, क्या कि एंगल ए शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ये तभी रिलेशन ये अप्लीकेबल होगा जब आपका एंगल ए क्या होगा इक्वल टू आर लेस देन 90 डिग्री, अदरवाइज ये रिलेशन अप्लीकेबल नहीं होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी रिलेशन पढ़े तो उसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ये कहीं पे भी ये नहीं कि अगर एंगल ए इक्वल्स टू दे दिया 120 और आपने ये रिलेशन में 120 रख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। अब लिखता है कि द एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको नोट दे रहा था द वैल्यू ऑफ साइन ए और cos a never exceed 1 whereas the value of sec a or cos a k is always greater than or equal to 1। अब देखिए क्या है, बोला कि cos a और sin a की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और cos a की वैल्यू भी कभी 1 से ज्यादा, क्यों? अब देखिए मैंने ये ट्रायंगल लिया राइट एंगल ट्रायंगल, अब साइन ए 0 to 90, ठीक है स्टूडेंट 0 to 90 वेरी कर रहा है। अब एंगल ए है, एंगल ए कभी भी 90 से ज्यादा नहीं, डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, ये एक एंगल 90 ऑलरेडी है तो 90 तो ये 180 क्रॉस कर जाएगा, इट मीन्स दिस विल नॉट सेटिस्फाई द रूल। तो इसलिए एंगल ए की वैल्यू हमेशा 90 से इक्वल होगी या कम होगी, ठीक है कम होगी या इक्वल होगी, तो कभी भी साइन ए की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है और कॉस ए की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। अब कॉस ए के है, कॉस ए के 1/sin a, ठीक है अब देखिए साइन ए की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इट मीन्स अगर 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा इनफाइनाइट होगा, इट मीन्स ये इसकी वैल्यू क्या होगी 1 से ज्यादा होगी, सो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो बेसिक आपके कुछ थ्योरीज थे जो इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया है तो वो ध्यान रखना है आपको। मैंने क्या बताया, लाल बट्टा कक्का एक बेसिक रूल बताया, उसके बाद क्या बताया मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया मैंने क्या है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू या साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, सिमिलरली टैन और मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है तो आपको ये
ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ प्रीवियस ईयर के, ये 2020 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है कि कॉस 80 डिग्री, देखिए आपको वैल्यूज किसकी पता है, 0, 30, 60, सॉरी 45, 60 और 90, यही वैल्यू पता है आपको। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि कॉस 80 डिवाइडेड बाई साइन 10 प्लस कॉस 59 और कोसेक 31 की वैल्यूज क्या होगी। देखिए तो कॉस 80 को, सॉरी जो कॉस 80 है डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ। स्टूडेंट्स आपको पता है, सॉरी कॉस 90 माइनस 10, और कॉस क्या है, 90 माइनस ये क्या होता है, साइन है, तो ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं यहाँ पे, ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 10 डिवाइडेड बाई साइन 10 प्लस, स्टूडेंट्स कॉस 59 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 31 इंटू कोसेक 31, ठीक है, लिख सकता हूँ। कॉस 90 माइनस ए साइन है, ये 10 है सॉरी, तो ये हो जाएगा साइन 10 डिवाइडेड बाई, ये डिग्री में लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस 31, 90 माइनस 31 क्या लिख सकते हैं, साइन 31 डिग्री, ओके, इंटू देखिए कोसेक 31 क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन 31 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, इट मीन्स इसका जो वैल्यू जाएगा वो आएगा 2। बेसिक कुछ नहीं है, आपको रिलेशंस पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये बोला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको मैंने रिलेशन बताया था क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, रिलेशन कहाँ बताया था मैंने आपको, यहाँ बताया था, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर दिस गिवन कंडीशन। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपन ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस सेक सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमने पढ़ा रिलेशन में ये होता है 1, सो इसका हो गया आंसर 1। सिमिलरली जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये बोला है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, स्टूडेंट्स हो गया इनटू देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इधर क्या है, सेक स्क्वायर का थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1। ये रिलेशन आपको है तो देखिए 2020 में 1 2 3 4 फोर क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, और आप देखेंगे तो बेसिक इसमें रिलेशन यूज हो रहा है, और कोई भी इसमें आपके आपके साथ सिमिलरली यह क्वेश्चन फोर देखें, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, देन प्रूव दैट क्या, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं,
जहां पे ये प्रूव करना है, तो उसको कैसे करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इस टर्म को भी हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए देखिए, ये आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन का कैसे यूज करना है। अगर मैं इक्वेशन को इसको लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, फिर इसमें एलसीएम लो दिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये तो वन हो गया, वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमको ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए। अब इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहाँ से मिलेगा, इसीलिए हमको ये क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम रिलेशन को यूज करेंगे कैसे, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट टू। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोनों साइड को तो क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू थ्री। देखिए साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो वन अगर इधर गया तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू थ्री माइनस वन, तो ये थ्री माइनस वन टू हो गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, वन। अब ये हमें यूज करना है कहाँ पे, यहाँ पे ये हो जाएगा वन बाई वन मीन्स वन इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कोई भी अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है हमें, वो आपको आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से आएगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा कि कुछ कोई इसका शॉर्टकट या कुछ मंत्र नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ तो आपको ऐसे करना है। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ वैल्यूज ऐसी आएंगी जहां पे इस गिवन कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा। स्टूडेंट्स ऐसे हम मूव करते हैं कुछ 2019 में 2019 में क्वेश्चंस आए हुए। देखिए क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं इससे, ये तो अभी इसका इंट्रोडक्शन है, जब हम एप्लीकेशन देखेंगे तो इसमें आपको और सारे भी दिखने को मिलेगा। देखिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, पूछा कि साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 टेन 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इवेलुएट करना है। देखिए स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि साइन कॉस और टेन की वैल्यू आपको वो ध्यान रखना है। अब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है क्या, रूट थ्री बाई टू, और टेन 45 की वैल्यू होती है कितना, वन, और कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू। अगर मैं तीनों वैल्यू यहां पर रख दूं तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस टू इंटू वन माइनस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा है यहाँ पे आपको पास, टू, ये हो जाएगा टू। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए साइन 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 60 स्क्वायर हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 30, ठीक है स्क्वायर, ये जाएगा कॉस 30 का स्क्वायर। अब कॉस 30 ऑलरेडी इधर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2 टेन 45 बचेगा, ठीक है। तो 2 टेन 45, 2 टेन 45 की वैल्यू होती है 1 2, तो ये भी एक तरीका है करने का। अब इसमें सेकेंड एक क्वेश्चन पूछता है, इफ साइन इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट से के, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, बोला है कि अगर साइन ए इक्वल्स टू 3/4 है, ठीक है, तो सेक ए की वैल्यू कितनी होगी। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन ए क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल ए, ये ए है ये बी है ये सी, ये थ्री हो गया डिवाइडेड बाई द हाइपोटेनस,
ये आपको ए भी निकालना है, क्योंकि सी के क्या होता है वन अपन कॉस ए, और कॉस ए क्या हो जाता है वन अपन ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ये हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब आपको ए बी तो यहाँ पे ए सी तो पता है फोर, लेकिन आपको ए बी का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पाइथागोरस सिंपल सा। सो ए बी स्क्वायर सॉरी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9, तो ए बी हो जाएगा कितना रूट 7। तो सी के इक्वल टू हो जाएगा ए सी कितना है 4/√7, ठीक है, तो ये बेसिक है। अब सिमिलरली इसमें एक क्वेश्चन और आता है, इवेलुएट 3 sin 43 अपन cos 47। देखिए इसको क्वेश्चन कैसे करना, 3 sin 43 क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस कितना लिख सकते हो 47, तो ये क्या हो जाएगा cos 47। तो cos 47 से cos 47 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस, देखिए cos 37 एंड cosec 53, तो cos 37 इंटू 1/sin 53 लिख सकते हैं, sin 53 को मैं लिख सकता हूँ cos 53, cos 37 कैसे 90 - 53 कितना आ जाएगा 37, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू 1। सिमिलरली tan 5 क्या होता है, tan 5 इक्वल टू 1/cot 5, सो tan 5 से अब tan 85 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है, आपको बेसिक रिलेशंस यूज करने हैं, ये सारे रिलेशंस हैं आपको, ये अगर ये रिलेशंस जो प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं तो कहूंगा आप ये क्वेश्चन खुद से करिए, सो देट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आए कि ये क्वेश्चन करना कैसे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएंगी यहाँ पे, और ये 9 - 1 इसका 8 आंसर आएगा, ये आप कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं ज्यादा आप खुद से करेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। अब सिमिलरली क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है, tan θ 1 - cot θ प्लस cot θ 1 - tan θ = 1 + sec θ एंड cosec θ, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है, tan θ डिवाइडेड बाई 1 - cot θ, 1 - cot θ प्लस कितना है cot θ डिवाइडेड बाई 1 - tan θ, लेट मी चेक, यस प्रूफ क्या करना है, इक्वल टू 1 + sec θ टू cosec θ, ये प्रूफ करना है। ये दो तरीके हैं, या तो पहले मैं इनको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लूं, क्योंकि यहाँ पे सेक और कॉसिक की बात हो रही है, ठीक है। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो अपन कॉस थीटा, 1 - cot θ को ले सकते हैं कॉस थीटा, 1 sin θ हो गया, प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, 1 - sin θ डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे है, मैं साइन को यहां लेता हूं तो साइन मल्टीप्लाई होगा साइन से, तो ये आ जाएगा sin²θ डिवाइडेड बाई कॉस, ये जो कॉस है आपके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 सॉरी sin θ - cos θ प्लस ये कॉस यहाँ पे आएगा, फिर जो डिनोमिनेटर में कॉस होगा वो जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन आएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो
कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे साइन थीटा एलसीएम लेता हूं, कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा को मैं यहां पे माइनस कॉमन लेता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे अभी लिखता नहीं हूं, ओके, मैं यहां पे लेता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। सो ये आ जाएगा आपका साइन साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, आई थिंक होप अब क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस बचेगा, माइनस कॉस होगा क्योंकि ये कॉस माइनस साइन थीटा है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये माइनस टर्म यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैंने साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा टू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ओके। अब मैं यहां पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा, ओके, साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, उसको लिख सकता हूँ वन अपन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन, उसको लिख सकता हूँ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस वन, यही आपका हो गया राइट हैंड साइड, इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। स्टेप बाय स्टेप है, ये क्वेश्चन बड़ा था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप स्टेप चलेंगे। इसमें देखिए मैथमेटिकल रिलेशन और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दो चीजें यूज हुई हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन सिंपल सा ए ए क्यू माइनस बी क्यू ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म्स यूज हुए हैं। इसके अलावा कोई इसमें बहुत लॉजिक और बहुत कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं था, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन आपको कुछ करा दिए 2019 के, एक और क्वेश्चन है साइन थीटा अपन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू, प्रूव करना है टू प्लस साइन थीटा अपन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करिए, 2019 का क्वेश्चन क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको खुद करना है। देखिए दो चीजें होती हैं क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको ये भी कर सकता हूं साइन थीटा अपान कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, लिख सकते हैं इक्वल टू टू, अगर ये वैल्यू टू आ गई तो इट मीन्स ये रिलेशन प्रूव है। अब इसको करने के लिए आपको इसमें भी बेसिक बेसिक रूल अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है, मैं किया कॉट थीटा, देखिए ये प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हमने एलसीएम ले लिया, सो साइन थीटा क्या बचा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब इसको हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे, इजीली हो जाएगा कॉट को, देखिए साइन थीटा से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस ये क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या था वन अपन साइन थीटा, ठीक है, वन अपन साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा
साइन थीटा। देखिए ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, साइन साइन मतलब फिर माइनस, फिर सिमिलरली साइन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस वन अपन या साइन थीटा सॉरी प्लस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो अगर आप नॉमिनेटर में देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा प्लस वन, ओके, डिवाइडेड बाई इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपन साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है, हमको कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, ओके, प्लस कॉस थीटा सॉरी नहीं ये कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर कॉमन, सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये माइनस लग गया तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, ये माइनस ही आएगा, सो माइनस वन एंड प्लस वन माइनस कोसेक माइनस साइन थीटा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो कॉस थीटा माइनस वन एंड कॉस थीटा प्लस वन, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस होगा यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा आपका माइनस कॉस का थीटा माइनस वन अपन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाई ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया टू, सो ये टू लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव करना था, ठीक है। मूव करते हैं 2018 में कुछ क्वेश्चन आया हुआ, बोला इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 इवेलुएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 तो tan थीटा क्या हो जाएगा 3 बाई 4, tan थीटा क्या होता है BCA, tan थीटा होता है BC अपन AB, BC दिया हुआ है 3 AB दिया हुआ है 4 BC कितना हो जाएगा 5, यहाँ से आप साइन थीटा निकाल लीजिएगा, साइन थीटा कितना जाएगा 3 बाई 5, कॉस थीटा आ जाएगा 4 बाई 5, ये वैल्यू यहाँ उठा कर रख दीजिए इसमें, यहाँ से दोनों वैल्यू आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब लिखा है इफ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी में एक और में है, tan 2a, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस a, स्टूडेंट्स मैं क्या लिख सकता हूँ tan 2a, tan 2a को लिख सकते हैं हम ना cot 90 माइनस 2a, लिख सकते हैं कि नहीं, यस, इसके यहाँ से इस रिलेशन से रिलेशन है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू cot a माइनस 18, तो
cot cancel, 90 minus 2a equals to a minus 18, a minus 18 degree. तो a इधर आएगा तो हो जाएगा minus 3a equals to कितना हो जाएगा, ये 90 minus 90 minus 18, so 3a equals to हो जाएगा 118, a equals to क्या हो जाएगा, sorry 108, a equals to क्या हो जाएगा, ये 3j 9, 36 degree. बेसिक क्वेश्चन है. सिमिलरली इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर. देखिए सिंपल, कॉस स्क्वायर 67 को आप लिख सकते हैं कॉस 67 का स्क्वायर, ठीक है लिख सकते हैं. कॉस 67 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 23, ये हो गया सॉरी कॉस 90 माइनस 23 ये हो जाएगा साइन 23. अब कॉस 67 की जगह पे लिख सकता हूं ना मैं साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23, यानी वैल्यू क्या हो गई आपकी जीरो. सिमिलरली एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब a माइनस cos इक्वल टू 10 है. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको करिए, जब तक करेंगे नहीं आप तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक ए मैन परफेक्ट, अदरवाइज पढ़ के इसको समझिए कैसे हो रहा है. ये प्रूव करना है 10 है. देखिए साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं साइन ए अगर कॉमन ले लू यहां से लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, अगर मैं नीचे से कॉस ए कॉमन ले लू तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1. अब देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, इसको मैं कई तरीके से कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को. तो 1 को मैं लिख सकता हूँ या मैं ऐसे लिख लूँ साइन ए बाई कॉस ए 10 ए हो जाएगा, ठीक है ये तो पहले आ गया मेरा, यही मेरा आंसर है. लेकिन जो दूसरे टर्म है उसको कैसे निगेट करना है, तो 1 माइनस 2 2 साइन स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, हो गया माइनस टू साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूं मैं. अब टेन ए क्या है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर ये हो गया ना कॉस स्क्वायर ए. सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए देख लो कॉस स्क्वायर ए, अब कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है माइनस साइन स्क्वायर ए, कैसे होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. तो अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रहता तो मैं लिखता साइन स्क्वायर ए, लेकिन वो क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 तो ये होता है माइनस, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया टेन. ये तो गया पहला रूल, पहला मेथड फर्स्ट. आप इसको सेकंड मेथड से खुद करिएगा, सेकंड मेथड से कैसे करेंगे वो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो बताइएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि आपको सेकंड मेथड समझ में नहीं आया है. स्टूडेंट्स ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है यहाँ पे, एंड थैंक यू. एंड अगर कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डाल दीजिए, हम आपको रीच करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे. थैंक यू, बाय, टेक केयर.